नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 26 दिन में हेडमास्टर समेत 7914 शिक्षकों का कटा वेतन। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में इस दिन से शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। 16 दिन में 2.25 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे राजगीर। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ में भी उपजेगा धान। स्वयं मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक देने के दिए संकेत। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 26 दिन में हेडमास्टर समेत 7914 शिक्षकों का कटा वेतन। इन दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार वे सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें के पाठक के निर्देश के अनुसार राज्य में पिछले 26 दिनों में 7914 शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुए उनके वेतन पर रोक लगा दिया गया है। बता दें कि सभी वही शिक्षक हैं जो बिना सूचना दिए स्कूल से गायब रहते हैं। मालूम हो कि के पाठक की ओर से निर्देश देते हुए कहा गया है कि जो शिक्षक जाँच में अनुपस्थित पाए जाएंगे उनका न सिर्फ वेतन काटा जाएगा बल्कि उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालय प्रशासन को साफ सफाई, शौचालय, मिड डे मील और पठन पाठन की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से करने को कहा गया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विद्यालय प्रशासन को साफ सफाई, शौचालय, मिड डे मील और पठन पाठन की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से चलाया जाए। दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। आज यानी कि 4 अगस्त की सुबह दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान 6E2433 के प्रस्थान करने के 3 मिनट बाद ही एक इंजन के निष्क्रिय होने से पटना एयरपोर्ट पर प्लेन की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें कि इस मामले की पूरी जानकारी पटना एयरपोर्ट के निदेशक के द्वारा दी गई है। हालांकि इससे अन्य परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा और हवाई अड्डे पर परिचालन बिल्कुल सामान्य रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फ्लाइट में कुल 181 यात्री सवार थे। वहीं यात्रियों को दिल्ली पहुंचाने के लिए लखनऊ से एक फ्लाइट को बुलाया गया। वहीं एयरपोर्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिगो फ्लाइट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे जो कि अब सॉल्व हो चुके हैं। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में इस दिन से शुरू होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में शिक्षा योजना के संदर्भ में आयोजित बैठक में विभाग की ओर से राज्य के प्रत्येक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की क्लास करवाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को आदेश दे दिया गया है। ऐसे में अब सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 20 कंप्यूटर और मध्य में 10-10 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध करवाए जाएंगे। बता दें कि विभाग के द्वारा जारी किए गए निर्देश में यह भी जानकारी दी गई है कि इन विद्यालयों में कंप्यूटर की कक्षाओं की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से 15 अगस्त से होने वाली है। इसके लिए 600 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन कंप्यूटर की कक्षाओं को पेशेवर प्रोफेशनल शिक्षकों के द्वारा करवाई जाएगी। बिहार कैडर के 3 IAS अधिकारियों को दिया गया अतिरिक्त प्रभार। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 3 IAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिनमें से बैद्यनाथ यादव जो कि 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें शिक्षा विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोहम्मद सोहेल को सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है। मालूम हो कि यह भी 2007 बैच के ही IAS अधिकारी हैं। और इसके अलावा दिवेश सेहरा जो कि 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं, उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। और साथ ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी महादलित विकास मिशन पटना प्रबंध निदेशक बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास लिमिटेड का प्रभार सौंपा गया है। छोटे शहरों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर खर्च होंगे इतने रुपए। बिहार के छोटे शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता, शहरी संपर्क और शहरी क्षेत्र के विकास समेत अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए 466 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि यह राशि टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तरह शहरी आधारभूत संरचना विकास निधि से यह राशि राज्य सरकार को दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीयर 2 शहर 1,09,999,999 की आबादी वाले होते हैं, तो वही टीयर 3 शहर 50,000 से 99,999 की आबादी वाले होते हैं। मालूम हो कि राज्य सरकार को यह राशि 7 वर्षों के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में नेशनल हाउसिंग बैंक को चयनित किया गया है। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से भी उपजेगा धान। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से धान की खेती को काफी नुकसान होता है। इसको लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा एक शोध किया जा रहा है, जिसमें सफलता पाने पर धान की खेती को बाढ़ और सुखाड़ दोनों के समय किया जा सकता है। बता दें कि किए जा रहे इस शोध के अंतिम आकलन के रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा कि बाढ़ और सुखाड़ के दौरान कौन सा बिचड़ा टिका रहा। इसके बाद इस प्रोसेस का नामकरण किया जाएगा और फिर इसे किसानों के बीच वितरित कर दिया जाएगा। इससे बाढ़
और सुखाड़ होने पर भी धान की खेती को नुकसान कम होगा। बता दें कि इस पर शोध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष कुमार के द्वारा किया जा रहा। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बता दें कि परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के द्वारा परिवहन विभाग मुख्यालय में यातायात उल्लंघन सीसीटीवी ई चालान एवं विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि चालान के दायरे को बढ़ाते हुए बेली रोड डाक बंगला के अतिरिक्त अन्य जगहों पर भी किया जाए। इसके साथ ही गंगा पथ, अटल पथ और दीघा एम्स रोड पर वैसे वाहन जो रश ड्राइविंग करते हुए या ओवर स्पीडिंग करते हुए पाए जाते हैं उन पर विशेष रूप से कार्रवाई की जाए। वैसे वाहनों के मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन करने की दिशा में भी कार्रवाई करें। वैसे वाहन जिन पर मोडिफाइड और टेम्परिंग नंबर प्लेट लगा हो उन पर भी कार्रवाई की जाए। सबके अलावा बिहार में खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत 5,000 तक जुर्माना या 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। बिहार का यह जिला कर्ज लेने में सबसे आगे। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट से यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार में लंबे समय के बाद बैंकों के साख जमा अनुपात में सकारात्मक सुधार हुआ है और अब यह अनुपात 51% पर पहुंच गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट से यह भी जानकारी निकल कर सामने आई है कि बिहार का सीमांचल कर्ज लेने में सबसे आगे है। सीमांचल के जिलों का साख अनुपात राज्य के साख अनुपात से काफी अधिक है। वहीं अगर जिले की बात करें तो सबसे अधिक कर्ज लेने वाला जिला पूर्णिया है, जिसका NPA महज 8.5% है, जबकि राज्य का औसत 10.35% है। वहीं दूसरे नंबर पर अररिया, तीसरे नंबर पर किशनगंज और चौथे नंबर पर कटिहार जिला है, जो लोन लेने में सबसे आगे है। वहीं बिहार के जो जिले सबसे कम लोन लेते हैं उनमें पहले नंबर पर मुंगेर, दूसरे पर नालंदा, तीसरे पर सारण, चौथे पर भोजपुर और पांचवे पर जहानाबाद के नाम शामिल है। सूबे के सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को वोकेशनल कोर्स को लेकर भेजा गया पत्र। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा अंगीभूत कॉलेज में चल रहे वोकेशनल कोर्स की सीटें स्थायी रूप से तय करने के लिए विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों को पत्र लिख उनसे शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सीट निर्धारण के संदर्भ में प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें कि इस पत्र में लिखा गया है कि सीटों की संख्या निर्धारण करते समय कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता आदि को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाए और इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट निर्धारण से सामान्य पाठ्यक्रमों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित न हो। विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि विश्वविद्यालय सिर्फ उन्हीं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की अनुमति प्रदान करेंगे और सीट तय करेंगे जिसके लिए राज्यपाल सचिवालय द्वारा रेगुलेशन बना हुआ है। जेपी गंगा पथ गायघाट तक इस दिन से होगा चालू। पटना के गायघाट तक जेपी गंगा पथ का अंतिम चरण यानी कि फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऐसे में इस काम को जल्द से जल्द पूरा कर 15 अगस्त से यह पथ चालू हो जाएगा। मालूम हो कि इस पथ के शुरू होने से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो दीघा से गायघाट आते जाते हैं। बता दें कि 15 अगस्त से दीघा से गायघाट तक 12.5 किलोमीटर की दूरी को महज 20 से 25 मिनट में तय कर ली जाएगी। वहीं सबके अलावा गांधी मैदान से गायघाट तक आने जाने में अशोक राजपथ में एक वैकल्पिक रास्ता तैयार होने से जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिल जाएगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जेपी गंगा पथ पर गायघाट के समीप चढ़ने के लिए कनेक्टिविटी रोड तैयार हो रहा है। वहीं अप्रोच रोड के निर्माण में जमीन की बाधा होने से निर्माण में देरी हो रही। मालूम हो कि अप्रोच रोड के निर्माण के बाद इससे ही गायघाट के समीप लोग चढ़ने उतरने का काम करेंगे। 16 दिन में 2.25 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे राजगीर। बिहार के राजगीर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि इस मेला में न केवल बिहार और देश बल्कि विदेश के लोग भी शामिल हो रहे हैं। मालूम हो कि बीते 16 दिनों में राजगीर आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.25 करोड़ हो गई है। राजकीय राजगीर मलमास मेला की तस्वीर लोगों के मन को भाने वाली है। खास तौर पर रात को ड्रोन से ली गई तस्वीरें जिनमें सतरंगी लाइटें, रोशनी, सजावट शामिल है। कि मलमास मेला में 2 अगस्त तक विभिन्न कुंड में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 8 लाख रही है। वहीं 2 अगस्त तक मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 12.4 लाख रही है। समस्तीपुर पुलिस ने एक्टर आयुष्मान खुराना की इस वजह से की तारीफ। इन दिनों समस्तीपुर के पुलिस के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्मी गाने, डायलॉग और फिल्मी सीन का सहारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर से समस्तीपुर पुलिस के द्वारा लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक
फिल्मी गाने को पोस्ट शेयर किया गया है जो कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की है। बता दें कि इस पोस्ट के जरिए पुलिस का कहना है कि अगर कोई आपको फोन पर डायमंड रिंग का सपना दिखाई तो अपने दिमाग की बत्ती को तुरंत चलाएं। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया कि धोखेबाजों के द्वारा आवाज बदलकर भी आपको ठगा जा सकता है, इसलिए हार को जीत में बदलना है, विधि व्यवस्था हम देख लेंगे, बस आपको एंजल प्रिया से बचना है। बता दें कि इस वीडियो को एक्टर आयुष्मान खुराना के द्वारा भी रीट्वीट किया गया है। वहीं इस पोस्ट पर कई तरह के कमेंट्स भी आ रहे हैं। नेपाल से भारत आने वाले वाहनों को दूतावास से लेनी होगी अनुमति। भारतीय महावाणिज्य दूतावास के द्वारा पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि नेपाल से भारत आने वाले चार पहिया वाहनों को भारत में बिना पास के प्रवेश नहीं मिलेगी। यानी कि अब नेपाल से भारत आने वाले वाहनों को भारतीय महावाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास काठमांडू से अनुमति लेनी होगी। मालूम हो कि इस संबंध में किशनगंज के स्थानीय प्रशासन के साथ साथ भारतीय कस्टम को निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि इस नियम के जारी होने के बाद बीते दिन नेपाल से भारत आने वाले कई चार पहिया वाहन को कस्टम के द्वारा अचानक रोक कर वापस भेजा गया। हालांकि फिलहाल यह नियम दो पहिया वाहन पर लागू नहीं है, लेकिन कस्टम के द्वारा दो पहिया वाहन को भी रोका जा रहा है। इस पर कस्टम सहायक आयुक्त कौशिक सन्याल के द्वारा बताया गया कि अब तक वाहनों को लेकर आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए सभी वाहनों को रोका जा रहा। मुजफ्फरपुर में विदेशी शराब की बड़ी खेप, पुलिस ने किया बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन इससे जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर की तरफ से आई और फकुली चेक पोस्ट से होकर बेलसर को जाने वाली रास्ते से एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप को बरामद किया गया है, और इसके साथ ही एक ट्रक चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गुप्त सूचना फकुली ओपी थाना अध्यक्ष को प्राप्त हुई थी। शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक देने के दिए संकेत। पिछले कुछ समय पहले ऐसी खबर चल रही थी कि पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच तलाक हो सकती है। हालांकि फिर इस खबर को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इस खबर की अटकलें तेज हो गई है। दरअसल पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के द्वारा एक ऐसा संकेत दिया गया है जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी सानिया मिर्जा से जल्द ही तलाक होने वाली है। बता दें कि शोएब मलिक के द्वारा अपने इंस्टाग्राम के बायो में बदलाव करते हुए सानिया मिर्जा के नाम को हटा दिया गया है। मालूम हो कि पहले शोएब मलिक ने अपने इंस्टाग्राम बायो में लिखा था कि हस्बैंड टू अ सुपर वुमन सानिया मिर्जा, लेकिन अब इस लाइन को शोएब मलिक ने अपने इंस्टा के बायो से हटा दिया है। इसी को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं कि वह एक दूसरे से जल्द ही अलग हो सकते हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अब तक कुछ भी कहा नहीं गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गोनर शर्मा, मोटू रंगीला, सदुल्ला पलवी, उमेश टिसेदेव, कमलेश शर्मा, नुन्नू गोलू कुमार, कन्हैया कुमार, जमशेर आलम, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, रोशनी खातून, हलेश्वर कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, त्रिलोक कुमार, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कितना सही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।